फ्रेंड्स, ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन का ये चौथा वीडियो है। बाकी के तीन वीडियो आप यूट्यूब पर जीएस गंगा नाम से सर्च करेंगे, जीएस गंगा यहाँ पर देख सकते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ढेर सारी वीडियो जो है ई दृष्टि करंट अफेयर्स के यहाँ पर डले हुए हैं। आइए इस वीडियो का पहला सवाल शुरू करते हैं, जो कि है 22 सितंबर 2020 को डीआरडीओ ने कहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 सितंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको अभ्यास कहते हैं, इसका सफल परीक्षण किया है। और अभ्यास को जो है विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। और अगला है भारत का पहला व्यावसायिक सोनार डोम को लेकर के। सोनार डोम देखिए होता क्या है, सोनार डोम दरअसल जो है एक डिवाइस होती है जो कि जो पानी की जहाज होती है, जो युद्धपोत होता है, उस पर लगाया जाता है। तो इस डोम के द्वारा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनार डोम एक युद्धपोत का महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि इस पर सोनार नेविगेशन रेंजिंग प्रणाली लगी होती है, जिसका उपयोग डिटेक्शन, नेविगेशन और रेंजिंग के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सोनार डोम है, इसको पहले देख लेते हैं प्रश्न में क्या है। प्रश्न में देखिए, रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अग्रणी केनेको लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत के पहले वाणिज्यिक सोनार डोम को किस राज्य से मुंबई के लिए रवाना किया गया है। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर कंपनी का नाम टारगेट करके पूछा जा रहा है कि सोनार डोम को किस कंपनी ने बनाया है। तो बनाने वाली कंपनी का नाम है केनेको लिमिटेड, जो कि रक्षा क्षेत्र के लिए, एरोस्पेस के लिए, रेलवे क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य करती है। तो इसके द्वारा बनाया गया है और किस राज्य से रवाना किया गया है, तो ये गोवा से रवाना किया गया है। गोवा से यहाँ पर देख सकते हैं कि केनेको लिमिटेड द्वारा निर्मित सोनार डोम को सम्मानित ग्राहक मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के लिए जो है रवाना किया गया है। तो ये जो है गोवा से मुंबई के लिए रवाना किया गया है। और नगला है कि सितंबर 2020 में भारत द्वारा किस परीक्षण रेंज से अभ्यास नामक ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। तो अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज से किया गया है और इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यास एक उच्च गति वाला ड्रोन है, जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा लक्षित किया जा सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। स्वदेशी रूप से विकसित है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित है और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और मार्गदर्शन तथा नियंत्रण के लिए फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर इसमें लगा हुआ है। तो दो इसकी मेन बातें हैं, एक है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। अब थोड़ा सा हम जो है चांदीपुर जो बीच है उड़ीसा का, जहाँ पर जो ये परीक्षण केंद्र बनाया गया है, उसको मैप पे देखेंगे, जो कि मैप में कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर चांदीपुर बीच है, हालांकि चांदीपुर जो इंटीग्रेटेड परीक्षण केंद्र बनाया गया है, टेस्टिंग रेंज बनाया गया है, वो यहाँ पे है। तो यहीं से जो है वो अभ्यास का परीक्षण किया गया है। और अगली न्यूज दक्षिण अफ्रीका से है, माफ़ करिएगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीकी देश बोत्सवाना से है। हाल ही में प्राप्त परीक्षण परिणामों के आधार पर जुलाई 2020 में हुई बोत्सवाना में हाथियों की बड़ी संख्या में मृत्यु का कारण है। तो बोत्सवाना में हाथियों की बड़ी संख्या में मृत्यु साइनोबैक्टीरिया की वजह से हुई है। ये बात जो है वहाँ की वाइल्ड लाइफ विभाग के द्वारा बताया गया है। और साइनोबैक्टीरिया होता क्या है, तो एक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो सामान्यतः जल में पाए जाते हैं, कभी कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। बोत्सवाना वाइल्ड लाइफ विभाग के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ममदी बेरून के अनुसार, नवीनतम परीक्षणों में पता चला है कि हाथियों की मृत्यु के लिए साइनोबैक्टिक न्यूरोटॉक्सिक्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया के बारे में कहते हैं कि ये क्या है कि विषाक्त पदार्थ का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ऐसा संभव हुआ है कि उसने साइनोबैक्टिक न्यूरोटॉक्सिन को जो है पैदा किया है, जिसकी वजह से जो है हाथियों की बड़े संख्या में मृत्यु हुई है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो जलवायु परिवर्तन है, वो कहीं ना कहीं जो है हाथियों की मृत्यु का एक जिम्मेदार कारक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बोत्सवाना के ओंका
ओकावोंगो डेल्टा, तो ओकावोंगो डेल्टा में जो है वो हाथियों की सबसे ज़्यादा मौत हुई थी। तो हो सकता हो ये स्थान पूछ लिया जाए कि ओकावोंगो डेल्टा ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये बोत्सवाना में पड़ता है, ध्यान रखना है। और ओकावोंगो डेल्टा को अगर हम गूगल मैप पे देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है बोत्सवाना अपना, और बोत्सवाना के उत्तर वाले हिस्से में जो है यहाँ पर जो है ओकावोंगो डेल्टा है। और एक चीज़ यहाँ पर जान लेते हैं ये कि बोत्सवाना की सीमाएं किन किन देशों के साथ में टच करती हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पश्चिम में नामीबिया है, उसके बाद में दक्षिण में जो है साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है दक्षिण में, और उत्तर पूर्व में जो है जिम्बाब्वे है, और उत्तर में जो है इसकी सीमा बहुत ट्राई जंक्शन के रूप में जिम्बाब्वे यहाँ वाले पॉइंट पे देखेंगे तो जाम्बिया से टच करती है। 21 सितंबर 2020 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता इटालियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इटालियन ओपन जो कि टेनिस प्रतियोगिता है, 2020 का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के हैं, और वहीं महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो सिमोना हालेप ने जीता है जो कि कहाँ की हैं, रोमानिया की हैं। और ये इन दोनों लोगों का संबंध जो है कौन से ओपन से है या कौन सी प्रतियोगिता से है, इटालियन ओपन खिताब से है जो कि इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता है। और नेक्स्ट है कि यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 में पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थियम ने किसे पराजित कर जीता? तो डोमिनिक थियम ने जो है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को पराजित करके जीता है। और यहाँ पर ये खिलाड़ी का नाम जान लेना ज़रूरी है कि कहाँ से किस देश से इनका संबंध है, तो डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं। और वहीं पर महिला एकल विजेता की बात करें तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं उन्होंने ये खिताब जीता है। और देखिए थियम का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है ना क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन फाइनल में अपनी जगह बनाई है, और वहीं जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। 18 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अनिल धस्माना जो कि रा के पूर्व प्रमुख थे, और जो है ये एजेंसी है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि NTRO एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 18 सितंबर 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा। जॉन टर्नर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 18 सितंबर 2020 को निधन हुआ। और अगली न्यूज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि 6 सितंबर 2020 को केशवानंद भारती का निधन हो गया, वह किस राज्य के इडनीर हिंदू मठ के प्रमुख थे? तो इडनीर हिंदू मठ जो है ये केरल में था, यहाँ के वो प्रमुख थे। और आपको पता होगा कि केशवानंद भारती 1973 का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया था तो यहीं पर संविधान की मूलभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है वो उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के ही निर्णय में सुनाया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत जो कि 7-6 के आधार पर निर्णय दिया कि किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। आपको पता होगा कि संविधान में अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है, तो जो भी संविधान में संशोधन होगा वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए संशोधन होगा।